नया देश है, नया शहर है, फसल हो जाता बंदा पहली बार में ना, गलत चीजें कर लेता है। पहला दिन है, कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, यहाँ पर गलत बस में चढ़ गया, फिर थोड़ी सी गूगल में जो इनका मैप का सिस्टम है ये भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि कनाडा में ब्रैम्पटन में बहुत तगड़ी स्नो पड़ी है, और स्नो ऐसी पड़ी है कि सब जगह यहाँ पे स्नो ही स्नो हो रखा है। मैं तो 200 में लग गया ये भाई, और मैं अभी स्नो साफ करेंगे। हाँ जी भाई, तो अभी कैसे करना है, कैसे साफ स्नो करेंगे भाई? इससे करेंगे हम स्नो साफ। अच्छा ठीक है, अभी ये पूरे जो स्नो साफ मतलब पूरा ड्राइवर साफ करके हम सॉल्ट दोबारा डालेंगे। ये देखो पूरी स्नो पड़ी हुई है, और ये देखो पूरा देख रहे हो, पूरा पैर ही अंदर धस रहा है। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। पहले तो आपको मैं मौसम दिखा, मौसम देखो क्या हो रखा है, बर्फ जमी हुई है, कल बहुत स्नो पड़ी थी, लेकिन आज स्नो नहीं है, लेकिन हाँ ठंड है, माइनस आई थिंक 1 डिग्री है टेम्परेचर, और ठंड है काफ़ी। ये देखो काफ़ी सारी बर्फ जमी हुई है, और हमने कल बर्फ़ भी निकाली थी अपने जो पार्किंग वहाँ पे जो एरिया होता है हमारा आगे, वहाँ से हमने बर्फ़ निकाली थी, और अभी भी फिर भी जम गई है दोबारा। तो आज तो गाइज आज मुझे प्रेस्टो कार्ड अपना बनवाना है, और डिक्सी गुरुद्वारे जाएंगे एक बार विजिट करने, तो दोनों चीज़ें आज ही होंगी। तो उससे पहले मैंने थोड़ा सा एक अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाया, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए वेज सैंडविच बनाई है एंड चाय, तो अभी मैंने रेडी किया है, और इसको खा के सीधा निकलते हैं पहले प्रेस्टो कार्ड बनवाने, वहाँ पर जाओ अपडेट करता हूँ कैसे बनता है, क्या प्रोसीजर है, कितना टाइम लगता है, और कितने डॉलर्स। वेलकम बैक टू माई चैनल। आज कनाडा में ब्रैम्पटन में बहुत तगड़ी स्नो पड़ी है, और स्नो ऐसी पड़ी है कि सब जगह यहाँ पे स्नो ही स्नो हो रखा है। सो क्रिसमस आ रहा है, और क्रिसमस से पहले यहाँ बहुत स्नो पड़ती है। ओ भाई साहब मैं दिखा, ये देखो पूरी स्नो पड़ी हुई है, और ये देखो पूरा देख रहे हो, पूरा पैर ही अंदर धस रहा है स्नो के। और अभी देखो ये अपनी गाड़ी है, और गाड़ी में भी पूरी स्नो जम गई है, एंड मैं तो 200 में लग गया ये भाई, और मैं अभी स्नो साफ करेंगे। हाँ जी भाई, तो अभी कैसे करना है, कैसे साफ स्नो करेंगे भाई? इससे करेंगे हम स्नो साफ। अच्छा ठीक है, ये पूरे जो स्नो साफ मतलब पूरा ड्राइवर साफ करके हम सॉल्ट दोबारा डालेंगे। सॉल्ट से? हाँ जी, मेल्ट हो जाएगा वो, मेल्ट हो जाएगा। अच्छा अच्छा, सो गाइज भाई के साथ अभी स्नो साफ करते हैं, क्योंकि भाई अपना ही घर है, और अपने घर को साफ रखना चाहिए, क्यों साफ जरूरी है। और लेट्स डू इट देन। भाई आइए ना, करे आइए ना। नहीं ओ भरा, मैं प्लाजे चोर लभी जाना, उन्हें चोर प्लाजे देखना भाई की करे ना तू, मैं कहा उन्हें डेमो फस रहूंगा कि नाम लभी जाना। ओ भरा वो नहीं लाओ, तो आओ कितने लाओ। ओ यार पूए दा हल हो गया भाई, 100-200 दादी दी बोतल दा हल हो गया दिया, बस भाई फोन केड़ा ही भाई सारा बंदा आया सी गैलेक्सी। तो गाइस ये इतनी स्नो मैंने जिंदगी में कभी कभी नहीं देखी, आज ये पहली बार देख रहा हूँ। इससे पहले मैंने उत्तराखंड में स्नो देखी थी, लेकिन वो भी थी, लेकिन ये लगातार स्नो पड़ना यहाँ पर बहुत अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, और ये मैं पहली बार देख रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में। लोग आसपास के लोग भी यहाँ स्नो साफ़ कर रहे हैं, वहाँ पे आप देखोगे पीछे मेरे तो लोग उन घरों में भी स्नो साफ़ कर रहे हैं, और बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है यहाँ पर कि
इतनी स्नो पड़ रही है और लोगों की ज़िंदगी चल रही है, मतलब रुक नहीं रहे हैं लोग, अपने काम पे भी जा रहे हैं, स्नो साफ भी कर रहे हैं, गाड़ियों से स्नो हटा रहे हैं, फिर अपने सड़क से भी हटा रहे हैं। तो दैट्स वॉट वी नीड, दैट्स वॉट वी कॉल्ड लाइफ इज। सो उसके बाद देखते हैं क्या होता है, आपको अपडेट देता हूँ मैं। रास्ते में भी स्नो है और मैं स्नो में चल रहा हूँ क्योंकि ये जो है ये पेडेस्ट्रियन पाथ है, जो पैदल चालक होते हैं, जो पैदल चलते हैं उनके लिए बना हुआ है, तो चल रहा हूँ। तो बस पकड़ने जा रहा हूँ, आज बस का एक्सपीरियंस आपको भी बताऊँगा कैसा है। तो यहाँ से कुछ 300-400 मीटर पे कुछ बस स्टॉप है और वहाँ से बस पकड़ूँगा, फिर मैं अपना प्रेस्टो कार्ड लूँगा। एंड प्रेस्टो कार्ड के लिए मुझे जाना पड़ेगा शॉपर्स करके एक जगह है, वहाँ जाना पड़ेगा मुझे, कुछ 4-5 किलोमीटर दूर है। और जो लड़के थे हमारे रूम में जो रह रहे थे, जो जिनके साथ मैं रह रहा था, लड़कों के साथ, वो सब अपने काम पे गए हैं गाड़ी वाड़ी लेके, और वैसे मुझे गाड़ी चलानी आती नहीं है, तो पैदल चलता हूँ पहले मैं बस स्टॉप, और बस स्टॉप से बस पकड़ता हूँ मैं सुपर स्टॉप के लिए, उसके बाद जाएंगे डिक्सी गुरुद्वारे घूमने। तो चलते हैं और आपको नज़ारा दिखाता हूँ। ये देखो, ये है कनाडा, ये है ब्रैम्पटन, ब्रैम्पटन विच मुंडा रहिंदा, कुड़ी है पंजाबी होए, कुड़ी है पहाड़ी होए। ये है अपना ब्रैम्पटन, बहुत शांत और क्लीन एयर और बिल्कुल सिस्टमेटिक वे से चलता है ये, कोई हल्ला हुल्ला नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं है, सब अपना काम से काम रखते हैं, अपना घर निकलते हैं काम करके सो जाते हैं, अगले दिन सुबह उठते हैं काम पे जाते हैं, वीकेंड में एंजॉय करते हैं। सो ठंड इतनी नहीं लग रही जितनी कल लग रही थी, कल तो बिल्कुल ही स्नो पड़ रही थी और बहुत ज़्यादा ठंड थी, आज कम है। बस में बैठ गया हूँ अभी एंड यहाँ से कुछ 5-6 मिनट का रास्ता है। अभी मैं गलत बस में चढ़ गया था एंड थोड़ा सा पता लगा नहीं मुझे, तो दूसरी तरफ है वो वाली तरफ मुझे बस मिलेगी सैंडलवुड के लिए, शॉपर्स के लिए। तो देखते हैं कैसे जाना है यहाँ से, आई विल सी, देखते हैं कैसे स्टॉप मिलता है, थोड़ा सा पता लगा नहीं मुझे। गाइस ये मैं गलत स्टॉप में बैठ गया था, ये वाला जाएगा शॉपर्स ड्रग मार्ट सैंडलवुड। हाँ पता नहीं, नया देश है, नया शहर है, फसल हो जाता बंदा पहली बार में ना, गलत चीज़ें कर लेता है। तो यहाँ से बस आएगी 5A 5A 4, तो यहाँ से मुझे जाना पड़ेगा, पकड़नी पड़ेगी सैंडलवुड के लिए, वहाँ से प्रेस्टो कार्ड मिलेगा। सो गाइस यहाँ पे जो बस स्टॉप होते हैं ऐसे होते हैं, ये देखो इतने बड़ा बस स्टॉप है और यहाँ पे शीशे वगैरह भी लगे हुए हैं ताकि ठंड में ज़्यादा स्नो पड़े तो यहाँ पे आ जाओ आप, स्नो अंदर ना आए, एंड अगर गर्मी होती है तो यहाँ पे शेड हो जाता है आपके लिए, तो ऐसा होता है, काफ़ी बड़ा है। और एक वहाँ भी है, दो हैं, ये देखो ये दूसरा है और यहाँ भी बना है बैठने के लिए, एंड ये डस्टबिन है, तो काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है इन्होंने। और ये इमरजेंसी हेल्प बटन है, किसी को हेल्प चाहिए होगी तो यहाँ पे आप यहाँ पे प्रेस कर सकते हो उस बटन को, बट फालतू में मत करना। एंड एक और अच्छी चीज़ है यहाँ पर कि यहाँ पे आपको बस की टाइमिंग्स और कौन सी बस आ रही है उसकी डिटेल्स आपको स्क्रीन में मिल जाएगी। आई डोंट नो ये कैप्चर क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि दिखने में तो मुझे दिख रहा है ये, लेकिन वहाँ पे कैप्चर नहीं हो रहा है ये, तो यहाँ पे डिटेल्स आपको बस की मिल जाएगी। सो बस आने वाली है मेरी थोड़ी देर में,
सो यहाँ पे मुझे वेट करना पड़ेगा। और ये थोड़ी जॉब वॉब की आपको प्रमोशन यहाँ मिल जाएगी, अगर किसी को जॉब करनी है तो यहाँ पे इनकी टीम को ज्वाइन कर सकते हो। प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ लेकिन भाई जो दिख रहा है वो दिखा रहा हूँ आपको। ये मैप्स है और ये जम फेयर्स हैं प्रेस्टो के, $6 का कार्ड है, प्रोटेक्टिव कार्ड, स्लीव्स $2 एक्स्ट्रा, देन ये है ये मैप है, एंड दिस इज रूट फ्रीक्वेंसी। गाइज बस ने उतार दी नियरेस्ट बस स्टॉप पे और यहाँ से 270 मीटर में मुझे जाना पड़ेगा पैदल, वॉकिंग डिस्टेंस है। जैसे हमारे दिल्ली में मेट्रो होता है ना कि मेट्रो उतार देती है फिर आसपास में जाना पड़ता है, तो यहाँ भी ऐसा ही है और वॉक करके जाना पड़ेगा। धूप भी हो गई, सबसे अच्छी बात यह है कि धूप भी आ गई है, ठंड थोड़ी कम लगेगी। यहाँ से देखना पड़ेगा पैदल जाना कहाँ है मुझे, क्योंकि भाई पहला दिन है कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। यहाँ पर गलत बस में चढ़ गया, फिर थोड़ी सी गूगल में जो इनका मैप का सिस्टम है ये भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा क्योंकि पहली बार मैं देख रहा हूँ, और जिससे पूछा उसने गलत बता दिया, तो दूसरी दो बार मतलब गलत स्टॉप पे चला गया मैं। आई थिंक शी मिसअंडरस्टूड मी, सो माइट बी इट वॉज माई मिस्टेक। सो अब थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस है तो देखना पड़ेगा कहाँ पर जाना पड़ेगा मुझे। आई थिंक वहाँ पे जाना पड़ेगा मुझे, इस तरफ को जाना पड़ेगा आई थिंक, पूछना पड़ेगा किसी से। भाई सबसे अच्छी बात यहाँ के लोगों की है ना, लोग बता देते हैं भाई। लेकिन जब मैं वहाँ था लंदन में था, लंदन एयरपोर्ट में, भाई बहुत मतलब बताते नहीं थे, बहुत एटीट्यूड था उनमें, मतलब अकड़ते थे भाई। तो यहाँ के लोग ये है कि सब बता देते हैं, कुछ ज़्यादा किसी में वो नहीं है, ऐंट नहीं है, और मतलब प्यार से बात करते हैं। तो कैनेडा इज़ अ यू नो फुल ऑफ गुड पीपल्स टॉकिंग टू यू एंड हेल्पिंग यू आउट। तो प्रेस्टो कार्ड ले लिया है, इट कॉस्टेड मी अराउंड $6 टोटल $6 मुझे पड़ा, $6 का मतलब 370 रुपये पड़ गया मुझे, 370 से 400 रुपये के बीच में। एंड रिचार्ज कराया मैंने $50 का, तो $56 मुझे पड़ गया प्रेस्टो कार्ड का। ठीक है यार, थोड़ा सा महंगाई भी हो गई है तो देखना पड़ता है सारी चीज़ें। अब चलते हैं, थोड़ा सामान ले लेता हूँ मैं, मुझे कुछ सामान लेना था। तो डॉलर सीधा है तो यहाँ से देखता हूँ, कुछ ग्रॉसरी की शॉपिंग कर लेता हूँ आया हूँ तो। हाँ जी गाइज, तो गाइज डिक्सी गुरुद्वारे का नहीं हो पाया है क्योंकि पहले मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ और मैं गलत बसों में बैठ रहा हूँ, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है यहाँ पर। और जो बस आनी है डिक्सी गुरुद्वारे की थोड़ी लेट है, और पहले यहाँ 3 बजने वाले हैं शाम के, तो 1 घंटे में बस आएगी, तो 4 बज जाएंगे तो वैसे अंधेरा हो जाता है 5-6 बजे तक। तो अभी मैं डिक्सी गुरुद्वारे नहीं जा रहा हूँ, एंड अभी मैं जा रहा हूँ इंडिया मार्ट। मैं पहुँच चुका हूँ अपने घर के आसपास ही, और जिसको भी प्रेस्टो कार्ड लेना है वो अपने नियरेस्ट, अगर आप नए हो यहाँ पर, अगर आपको प्रेस्टो कार्ड चाहिए ट्रैवल और कम्यूट करने के लिए, तो आपको नियरेस्ट शॉपर्स ड्रग मार्केट में जाना पड़ेगा। ये यहाँ पर आपको कहीं भी मिल जाएगा, मुझे औरों का नहीं पता कि और कहाँ मिलता है, बट शॉपर्स में आपको पक्का मिल जाएगा। यहाँ पे ये जो फुल्ले वगैरह होते हैं घर के, खील वगैरह जो होती हैं, तो ये सब आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा, एंड फ्लेवर्ड में भी मिल जाएगा। देखो ऑलमोस्ट एक तरीके से इंडिया में जो भी चीज़ें मिलती हैं, चाय पत्ती से लेकर पराठे से लेकर समोसे से लेकर, सब कुछ इस इंडिया बाज़ार में मिलेगा आपको। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट यू नो मेरे घर के सामने ही था ये, जहाँ मैं रह रहा हूँ अभी, तो आपको दिखा दिया। दालें भी आपको सारी मिल जाएगी, ये देखो कोई चीज़ बचेगी नहीं जो नहीं मिलेगी यहाँ पर।